जय मसीह की, जय मसीह की। आज हम लोग यहाँ प्रभु के वचन को लेकर प्रस्तुत हैं और प्रभु की आराधना और उपासना करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को ये वचन दिया है कि तुम प्रार्थना करो, आराधना करो और इस तरह से परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाओ। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं सभा के प्रारंभ में। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आप हमारे दयालु प्रेमी परमेश्वर है, आपकी दया से ही हम लोग जीवित पाए जाते हैं और आपकी दया से ही आज इस प्रार्थना भवन में हम लोग उपस्थित हैं और आपकी सारी आशीषों के लिए प्रभु हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे विनम्र विनती करते हैं। जब यहाँ पर आराधना स्तुति गान और प्रभु का वचन होता है, प्यारे प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा यहाँ प्रवेश करे, तेरे स्वर्गदूत यहाँ आ जाएं, ताकि प्यारे प्रभु यहाँ से जो भी गाया जाए, जो भी वचन दिया जाए वो आपको पसंद आने योग्य हो, लोगों के हृदय में कार्य करने वाला हो और प्यारे प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। आपके ही पवित्र और मीठे नाम में इस पूरी आराधना को सौंप देते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आइए हम लोग स्तुति आराधना करेंगे। हम लोग निकालें 63 हम लोग गाते हैं, उसके बाद थोड़ा हम लोग स्तुति और आराधना करेंगे जी। Yeshu ki aaradhna,
जैसा कि हम लोग अपने
बीमारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए इस क्राउड प्रेयर टावर से प्रार्थना करते हैं और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु उन प्रार्थनाओं पर अपने कान लगाते हैं और बहुत सारे लोग जो सच में विश्वास करते हैं वे चंगाई प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जिनके निवेदन हम लोगों के पास हैं। कुछ लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि प्रभु ने चंगाई दी है। मैं मिसेस अंजलि खलबो के लिए, डेजी मैथ्यू के लिए, मिसेस शोभा रॉय के लिए, विमल सरकार के लिए और मिसेस और के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। लेकिन प्रभु हमारा दयालु परमेश्वर है, उसके कान और आंखें सदैव खुली हुई हैं। वो हम लोगों के को देखता और उस पर दया करता है। इसी तरह से हम समस्त वृद्धों के लिए विनती करते हैं जो जो बल और शक्ति के लिए प्रभु से पुकार रहे हैं। हम विशेष विनती करते हैं मिसेस ओल्गा विलियम के लिए, मिसेस आर बशार के लिए, मिसेस सन सुजाना यूनिस के लिए, मिसेस आनंद लाल के लिए, मिस्टर एडवर्ड नानू के लिए, मिसेस मनोरमा रोशन के लिए, मिस्टर हैरिसन नानू के लिए, मिस्टर मिसेस टेलियट के लिए और मिसेस विशेष तौर से भी हम लोग आज करेंगे हमारी भाभी रेवरेंड किरण जी परमार की पत्नी प्रतिमा परमार, जिनका की गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है जो कि सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर में एडमिट हैं। हम उनके लिए विनती करेंगे कि प्रभु उनको पूरी तरह से चंगाई दे और उनको स्वस्थ करे। इसी तरह से हम विनती करेंगे विशेष तौर से मिस्टर एडवर्ड नानू के लिए, जिनका 17 या 18 को आई ऑपरेशन है कैटरेक्ट का। प्रभु उनको भी अपने हाथों में ले और उनको भी पूरी चंगाई मिले। इसी तरह से हम शेरोन प्रकाश के लिए विशेष विनती करते हैं, उसको भी प्रभु चंगाई दे। धन्यवाद यीशु कि आप प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और वो शनै शनै करके उसको चंगाई दे रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद हो। हम विनती करते हैं कल्पना के लिए जो कि पाली बाजार में रहती हैं, उनको जब किडनी की प्रॉब्लम है तो हम उनके लिए भी विशेष विनती करते हैं कि प्रभु उनको छुए और उनको चंगाई देने पाए। इसी तरह से और लोग जो बीमार हैं, जो जिनकी खबर हम लोगों तक नहीं है, उनको भी प्रभु उन पर भी दया और अनुग्रह करे। कुछ लोग हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, जैसे मिसेस शीरीन जो कि चाहती हैं कि उनको प्रभु एक संतान दे, तो जैसे हन्ना और वो प्रभु ने दिया। इसी तरह प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप उन्हें भी देंगे। हम भाई नित्यानंद की बेटी के लिए विशेष विनती करते हैं, जबकि वो अपनी बेटी के लिए वर्ग खोज रहे हैं तो आप वर्ग उनके समक्ष लाएँ जिससे आप चाहते हैं कि उनकी बेटी का विवाह हो। और इसके साथ साथ हम अपने गोरखपुर के समस्त प्रचारकों के लिए, पास्टर्स के लिए विनती करते हैं कि वो प्रभु का वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने वाले हो सके। इसी तरह से हम विनती करते हैं जब महाराजगंज में पूनम जी हैं, हमारा विश्वास है कि प्रभु ने उनको छुआ है और उनको चंगाई दी है। तो इस तरह से हम मिस्टर घर जो हमारे इस टावर के खंभे हैं, उनके दोनों बच्चों के लिए विशेष मिट्टी को चाहते हैं। उनका एक बच्चा MBBS की तैयारी करने जा रहा है, उसके फॉर्म भी भरा है। प्रभु उसे बुद्धि से परिपूर्ण करे ताकि उसको सफलता मिल सके। हम इसी तरह से विनती करते हैं अन्य लोगों के लिए भी जो कि इधर उधर परमेश्वर से दूर होकर और भटकते फिर रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर अपनी नज़दीकी में लेकर आए
चाहूंगी भीष्मा जी से वो यहाँ आ जाए और परमेश्वर से इन लोगों के लिए आज का भजन उत्तरवाणी पाठ भजन संहिता 46। आज का उत्तरवाणी पाठ भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहाय। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। क्या है समुद्र गर्जे और फिर उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से काम उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज राज के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वो धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा चक्र है। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। करेंगे हम लोग
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा सलाम। और आज का ये दिन रविवार का दिन, जबकि हम लोग आज के दिन चर्च भी गए और वहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ जो वहाँ के पासबान के द्वारा करवाई गई कि जब हम लोग ये गीत गा रहे थे कि हर एक बात में धन्यवाद करो, तो बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने ये कराई कि हर एक चीज़ से कहा कि आज आप किस विषय में धन्यवाद देना चाहते हैं, और हर एक को बारी दिया कि आप किस विषय में धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हर एक ने धन्यवाद दिया किसी न किसी बात के लिए, लेकिन सच में हमारा जीवन इतना ज़्यादा प्रभु की उस कृपा से, उस असीम कृपा से जो अभिभूत है कि हम कितना भी धन्यवाद उसे दे दें वो कम है, क्योंकि उसने हमें बनाया है और हमें हर एक सांसें जो हम अपने शरीर से लेते हैं वो वही देता है, और अगर ये सांसें ही ना हो तो हमारा शरीर जो मिट्टी से बना था वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। इससे पहले कि वचन में जाएं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ और फिर आज के वचन में चाहिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस खूबसूरत लम्हे के लिए। पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुन लिया है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपने हमें बुद्धि दी है पिता परमेश्वर कि इस वचन को कुछ हद तक हम भी समझ सके पिता परमेश्वर, और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो आप उसका उस पर प्रकाश देते हैं पिता परमेश्वर, और अपनी उन गुण बातों को हमें समझाते हैं। आपका वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है जिसके द्वारा हम, जिसकी सहायता से हम इन बातों को, इन बीजों को बोने के लायक हो पाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये जो बीज बोया जाए पिता परमेश्वर ये आपके नाम में सुरक्षित हो पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जब ये बोया जाता है तो ये पथरीली भूमि पे नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन ये उपजाऊ भूमि पर बोया जाए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं उद्धार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ वो ये है कि प्रभु का भय, परमेश्वर का भय ये क्या है, इस विषय में हम लोग थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। अय्यूब की पुस्तक में से जो है अय्यूब उसका 28 अध्याय और उसकी अंतिम 27 और 28वें पद को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया, बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। किसको सिद्ध करके? बुद्धि को सिद्ध करके उसका पूरा भेद जो है जान लिया कि ये बुद्धि क्या है, और बुद्धि क्या है अगले पद में बता भी दिया, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है 28वें पद में, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। क्या है बुद्धि? क्या है? प्रभु का भय मानना और बुराई से दूर रहना, परमेश्वर का भय मानना है और क्या करना है? बुराई से दूर रहना है। लेकिन इससे पहले जब हम इस पूरे अध्याय को, इस पूरे इनके पदों को जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम ये पाएंगे कि परमेश्वर ने ये जो बुद्धि मनुष्य को दी है वो क्या क्या करने में वो उसे उसका प्रयोग कर रहा है, क्या क्या करने में उसका प्रयोग कर रहा है। पहले ही पद से अगर हम लोग देखें तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग ताते हैं। ताते हैं मतलब उसको जाके उसे पाने का प्रयास करते हैं, वहां पे खुदाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उसे ढूंढते हैं, उसे निकालते हैं और उसको पाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो ये बुद्धि का प्रयोग जो है वो कहाँ पे हो रहा है? उस चांदी को, उस सोने को,
पाने में, उसके पीछे परिश्रम करने में, उसमें जो है ये हमारा हमारी बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे पद में लिखा हुआ है, लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। लोग लोहे को कहाँ से निकालते हैं? मिट्टी से निकालते हैं। पीतल को कैसे बनाते हैं? पत्थर को पिघलाकर पीतल बनाते हैं। ठीक है, ये परमेश्वर का वचन जो है, जो कि इतना पुराना वचन है और उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि ये जो लोहा हम प्रयोग करते हैं ये उसी मिट्टी में से मिलता है, ये मिट्टी में से वो खनिज प्राप्त होता है, और ये जो पीतल के बर्तन जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं ये पत्थरों को पिघलाकर बनाया जाता है। तो ये सब करने में होता क्या है, प्रयोग किसका होता है? बुद्धि का होता है। बुद्धि जो है वो इंसान प्रयोग करता चला जा रहा है, लगातार जो है निरंतर वो बुद्धि का प्रयोग करता चला जा रहा है, और वो जो भी प्राप्त कर रहा है वो परमेश्वर ने पहले से ही यहाँ रख छोड़ा है। मनुष्य कुछ भी आविष्कार करता है लेकिन संसाधन पहले से परमेश्वर ने उसके लिए मौजूद किया हुआ है। पत्थर से वो पीतल बना सकता है लेकिन वो पत्थर नहीं बना सकता, पत्थर इंसान नहीं बना सकता। मिट्टी से वो लोहे को निकाल सकता है लेकिन मिट्टी को वो नहीं बना सकता है। चांदी और सोने को वो वहां से निकाल सकता है लेकिन उसे बना नहीं सकता। ये सारी चीजें परमेश्वर ने पहले से दे दी है, और मनुष्य क्या करता है, इन सारी चीजों को वो सिर्फ खोजने का प्रयत्न करता है, और खोजते खोजते आज तक मनुष्य ने क्या क्या खोज लिया है ये हर कोई जानता है, कहां तक क्या क्या कर लिया ये सब कुछ जानता है, और आगे भविष्य में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य के द्वारा अभी और खोजी जाएंगी। अभी परमेश्वर का वचन बहुत कुछ बताता है जिन चीजों के बारे में वो घटनाएं अभी तक नहीं हुई है, वो भी आगे उस बुद्धि के द्वारा होती जाएंगी, क्योंकि अंत के दिनों में क्या होगा, बुद्धि का विस्तार होता जाएगा, और जैसे जैसे इस बुद्धि का विस्तार होता जाएगा बहुत सारी चीजें जो है बढ़ती जाएंगी, होती चली जाएंगी, बहुत सारी चीजें होती चली जाएंगी। और आगे जो है इसमें लिखा हुआ है, पांचवी आयत में हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है, ये भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है परंतु इसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। इसी मिट्टी से जो है हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, उसी पे उसे जोतते हैं, बोते हैं, और फिर उससे रोटी को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके नीचे क्या हो रहा है ये परमेश्वर को पता है, कौन सी जगह पे वो आग की लपटे वो हैं, और जब भूकंप आता है तो हम लोग को ये पता चलता है कि कहाँ से कहाँ नीचे की पृथ्वी की कौन सी प्लेट कहाँ से कहाँ सरक गई, तो ये परमेश्वर को पता होता है। आगे हम लोग और भी कुछ आयते हैं जो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चौदहवीं आयत में लिखा हुआ है, अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। ये बुद्धि की बात हो रही है, ये बुद्धि की बात हो रही है, और ये ना तो अथाह सागर के पास है और ना किसी समुद्र के पास है, ये किसी के पास नहीं, ये किसके पास है, ये परमेश्वर के पास है, और ये जिसके और यही बुद्धि जो है परमेश्वर ने हम लोगों को दी है, और इस बुद्धि का प्रयोग हम लोग को कैसे करना है, परमेश्वर का भय मानकर। इस बुद्धि का प्रयोग, सही प्रयोग क्या है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है वो इस प्रकार की बुद्धि का सही प्रयोग कर रहा है। आगे हम लोग भजन संहिता उसका उसके 61 का 5 अध्याय हम लोग देखेंगे, भजन संहिता उसके 61 का 5 अध्याय पांचवी आयत, सॉरी, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी,
जो तेरे नाम के डरवाए हैं उनका साफ भाग तूने मुझे दिया है। यहाँ पे क्या दाऊद अपने भजन में कह रहा है कि तूने मेरी मन्नतें सुनी है। मन्नतें क्यों सुनी है? क्योंकि मैं क्या था? डरवाया था। किसका डरवाया था? जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है, परमेश्वर का जब भय होता है तो वो हमारी मन्नतों को पूरी करता है, वो हर हाल में हमारी बातों को पूरी करता है। और पूरी करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में सिर्फ जो है खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। हमने शुरुआत की है अय्यूब के की पुस्तक से, और अय्यूब के जीवन के विषय में हर कोई ये इस बात को जानता है कि उसका जीवन किस प्रकार से कठिनाई से भरा हुआ था, शैतान ने किस प्रकार जो है यीशु मसीह से कहा कि मुझे उसकी परीक्षा लेने दे, और परमेश्वर ने जो है ये कहा कि उसके प्राण को छोड़कर बाकी उसके साथ जो चाहे कर। तो उसके ऊपर बहुत सारी ताड़नाएं आई, उसके सारे बीवी बच्चे और जितना उसका जो भी धन संपदा था सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन जब वो तब भी अब परमेश्वर के भय में बना रहा, कब तक के लिए वो बना रहा? जब तक उसने कहा कि जब तक मेरे अंदर प्राण है, जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक मैं परमेश्वर का रहूंगा। तब तक वो परमेश्वर के रहने के लिए अपने वचन के द्वारा कटिबद्ध था और उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और जब उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो अंत में परमेश्वर ने फिर से उससे उसकी कई गुना ज्यादा आशीषें लौटा दी। और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर के भय में बने रहते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर हमारी परीक्षा भले ही हो लेकिन उसके बाद जब हम उस परीक्षा में सफल होते हैं तो उसका इनाम भी हमें दे देता है। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। नीति वचन के उसके सातवें अध्याय में सातवें आयत में हम देखते हैं, नीति वचन एक उसके सातवें पद में यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो बुद्धि का सबसे बड़ा काम क्या है? यहोवा का भय मानना। आगे लिखा हुआ है, और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। और शिक्षा को मूड ही लोग कुछ जानते हैं। कभी कभी हमारे मनों में ये विचार आता है कि कोई अगला ऐसा व्यक्ति है जो गलत कार्य कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और हमारे अंदर ये मन भी आता है कि क्यों ना मैं इसको समझाऊं कि ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा सोचते हुए भी हम उसे समझाने नहीं जा पाते, या हमारे अंदर जो एक आत्मा है वो ये भी कहता है कि उसे हमें समझाने की आवश्यकता है, लेकिन हम समझाते भी नहीं हैं। हम क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि हमें ये पता होता है कि अगला उसको अपने ऊपर इतना अभिमान है, इतना घमंड है कि वो हमारी बातों को नहीं समझेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि तू अपने वचनों को सुअरों के आगे मत डालना। तो जो हमारे ऐसे वचन है हमें परमेश्वर बताता है कि सुअरों के आगे नहीं डालना है। वो किसके समान है? सुअर के समान है। और वो सुअर के समान कौन है? जो जिनके लिए बुद्धि और शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए बुद्धि का कोई मतलब नहीं, उनके लिए शिक्षा का कोई मतलब नहीं। आप उन्हें कुछ भी समझा लीजिए कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, वो गलत है, वो परमेश्वर के नज़र में अच्छा नहीं है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो बुद्धि से प्रीति रखते हैं उनको इस बात की समझ हो जाती है। प्रेरितों के काम 9 उसका 31 में हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 31वीं आयत हम देखेंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 9 उसकी 31वीं आयत में, सो सारे यहूदिया
और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। किसको चैन मिला? यहूदिया, गलील और सामरिया में किसको चैन मिला? कलीसिया को चैन मिला। क्या चैन मिला? और उसकी उन्नति होती गई। चैन तो मिला ही और क्या हो गया? उन्नति भी होती गई। और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। जब प्रभु का भय होता है तो क्या होता है? पवित्र आत्मा की शांति भी मिलती है। जब प्रभु का भय होता है तो पवित्र आत्मा की शांति मिलती है। वरना जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा से हमको दिया गया है, जो हमें ये बताता है उस समय पर कि हमें किस कार्य को करना और किस कार्य को नहीं करना उचित है, जब वो हमें सही बताता है और हम उसकी बातों को नहीं मानते तो वो भी हमारे लिए शोकित होता है कि मैंने इसे आगाह किया लेकिन इसने नहीं माना, मेरी बात को नहीं सुना। लेकिन वो आवाज़ जो शैतान दे रहा था उसने इसकी बात को मान लिया। तो उस समय वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को दिया गया है वो इस बात से शोकित होता है। तो पवित्र आत्मा हमारे विषय शोकित हो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक के रूप में हमें दिया गया है उसकी आवाज़ को हमें अपने जीवन में सुन लेने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो मतलब कि जो शैतान हमसे कहता है वो हम सुन लेते हैं। आगे हम देखेंगे थोड़ी देर और भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसकी 4वीं आयत। भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसकी 4वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कांपते रहो और पाप मत करो और अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। कांपते रहो और पाप मत करो। कब ऐसा होगा? जब आप यहोवा का भय मानेंगे। जब आप भय मानेंगे तब आप कांपते रहेंगे और पाप नहीं करेंगे। क्योंकि और यहोवा का भय मानेगा कौन? यहोवा का भय वो मानेगा जो उसको जानता है, जो ये जानता है कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो उसकी बात को मानेगा और वो इस बात को मानेगा कि हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। आगे हम एक और नीति वचन में देखेंगे, नीति वचन 3:7। नीति वचन 3 उसकी 7वें पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अगर हम अपनी दृष्टि में अपने को बुद्धिमान समझ लें तो उस दिन से क्या होगा? हम कुछ भी सीखना बंद कर देंगे। अगर हमें ये एहसास हो गया कि हमें सब कुछ आता है तो हम उस दिन से सीखना बंद कर देंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हमें जो आता है वही सही है। लेकिन हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, लेकिन ये हमें ये सोचना है कि हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, हमारे जीवन में कोई त्रुटि तो नहीं है। तो हमें जो है इस बात को मान के चलना है और इस बात को मानने के लिए आगे लिखा हुआ है यहोवा का भय मानना। जब हम यहोवा का भय मानेंगे तो उसमें ये सारी बातें जो हैं अपने आप से निहित हो जाएंगी। नीति वचन 18:13 में हम देखेंगे यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। बिना बात सुने उत्तर देता है। बिना बात सुने अगर हम उत्तर देते हैं तो पहले क्या होता है? मतलब कि हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के भय में हम नहीं हैं। और पवित्र आत्मा जब हमसे कोई बात कह रहा है, वो हमारी अगुवाई करना चाहता है, तो हम उसकी बात को न सुनते हुए हम जवाब को दे देते हैं उसे और अपने मन में ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है।
नीति वचन 16:6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। यहोवा का भय मानने से क्या होता है? मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो हम बुराई करने से बच जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है बचे रहें और बुराई को अपने जीवन से ना होने दें। भजन संहिता उसका 112 और उसकी पहली आयत, भजन संहिता 112 उसकी पहली आयत, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। जब हम यहोवा का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? धन्य हो जाते हैं। होता क्या है कि जो आज्ञाएं हमें परमेश्वर के द्वारा से मिली हुई हैं उनको मानना हमारे लिए क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, हमारे लिए टेढ़ा हो जाता है। लेकिन कोई भी कार्य बिना मन के किया हुआ तो वो परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य नहीं हो सकता। यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसका अपना खुद का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो आप उसको जबरदस्ती कितना पढ़ा सकते हैं? आप उसको जबरदस्ती बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। अगर उसका अपना इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर परमेश्वर की आज्ञाएं आप अपने मन से बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना किसी दबाव के अगर आप मान रहे हैं, तभी आप परमेश्वर के नज़दीकी में जा पाएंगे और फिर आपको ये कहा जाएगा कि आप क्या हैं? धन्य हैं। क्योंकि लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। और भजन संहिता 119 उसका 63 पद हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 119 उसका 63 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगीत। यहाँ दाऊद अपने भजन में बता रहा है, क्या बता रहा है? जितने तेरे भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं। तो ये यहाँ पे बात है फेलोशिप की, कि हम किसके साथ फेलोशिप कर रहे हैं, किसके साथ हम संगति कर रहे हैं। दाऊद ने तो बता दिया कि मैं उसका संगी हूँ जो तेरा भय मानता और तेरे बताए हुए रास्तों पर चलता है। तो हमारा जीवन भी जो है कैसा होना चाहिए, हमारी जो फेलोशिप, हमारी जो ये संगति है, ये ऐसी होनी चाहिए कि जो परमेश्वर के साथ जो लोग चल रहे हैं हमें उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि संगति का प्रभाव जो है वो मनुष्य के जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हमारी जैसी संगति होगी हम भी वैसे बनेंगे। अगर मैं अपनी मित्र मंडली अगर बहुत ख़राब कर लूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं भी जो है बहुत ख़राब कंडीशन में चला जाऊँगा। लेकिन जब हमारी संगति अच्छी होगी तो हमारा जो है क्या होगा, परमेश्वर की ओर से हमारा लगाव, परमेश्वर की ओर हमारा लगाव बढ़ेगा। नीति वचन बस थोड़ा सा और है, नीति वचन 14 उसका 2 पद, 14 अध्याय उसका 2 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। बहुत ज़रूरी है ये इस बात को समझना कि आप सिधाई से चल रहे हैं या नहीं। अगर आप अपने जीवन में टेढ़ी चाल चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यहोवा का भय नहीं मान रहे। तो ये जो है ये टेढ़ी चाल चलना ये होता क्या है, ये टेढ़ी चाल चलना क्या होता है? छोटी छोटी सी बातों पर झूठ बोल देना। आजकल हम सबके पास जो है ये स्मार्टफोन है और
बड़ी स्मार्टली हम लोग जो है उसको झूठ बोलते हैं कि अभी मैं यहाँ, अभी मैं इस स्थान पर नहीं पहुंचा हूँ, अभी तो मैं कहीं और। तो ये टेढ़ी चाल है, और जब हम टेढ़ी चाल चलते हैं तो हम यहोवा का भय मानने वाले नहीं। हमें हर एक बात जो जो भी हमारे मुख से निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ सच निकलना चाहिए। हो सकता है कि इस सच निकलने से कुछ लोग नाराज हो जाएं, हो सकता है कि आपको जो आधे घंटे में आप छूट सकते हो कहीं काम से, हो सकता है कि आपको 3 घंटा और काम करना पड़े, हो सकता है झूठ बोल के आप बच जाएं। अगर मेरे ऑफिस में कोई बहुत ज़रूरी काम है और अगर मैं ये कह दूं कि मेरे घर पे मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है और मुझे बहुत जल्दी से वहाँ पे पहुँचना है, तो हो सकता है मैं काम से तो बच जाऊँगा आधे घंटे में ही मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, मुझे वो 3 घंटे काम नहीं करना होगा, लेकिन मैं टेढ़ी चाल चलूँगा। और अगर मैं टेढ़ी चाल चलूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं यहोवा का भय नहीं मानता हूँ। तो अपने जीवनों में निरंतर इस बात की आवश्यकता है कि हम जो है कैसी चाल चलें, टेढ़ी चाल न चलें, बल्कि हमेशा सीधी चाल चलें, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर को, यहोवा को भाता है। और जो हमारे परमेश्वर को, यहोवा को भाता है, हमें वही करने की आवश्यकता है। लास्ट एक और पद के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। प्रकाशित वाक्य 3 उसका दूसरा पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। बहुत ही गंभीर पद है ये, सर्दीस की कलीसिया को लिखा हुआ पत्र है ये, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जागृत हो उन वस्तुओं और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। क्या चीज़ें हैं जो मिटने वाली हैं, मिट रही हैं, क्या कौन सी चीज़ें हैं और परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो मिटे, वो कौन सी चीज़ें हैं? जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाई तो इस सृष्टि को बनाने के बाद जो है मनुष्य ने बहुत से आविष्कार कर डाले, बहुत सारी चीज़ें मनुष्य ने बनाई, लेकिन मनुष्य ने जो भी बनाया सब कुछ एकदम क्षणभंगुर, थोड़ी देर में समाप्त हो जाने वाला। उसके बाद जो है जो भी इन्वेंशन है, जो भी आविष्कार है, वो सब थोड़ी देर के लिए है, कब मिट जाएगा, कब खत्म हो जाएगा बिल्कुल पता नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को बनाने के बाद मनुष्य के अंदर कुछ चीजों को दिया। क्या दिया? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन सारी चीजों को मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने दे दिया। अब ये ऐसी चीजें हैं जो कि नाशमान नहीं है, ये नाश होने वाली नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या हो रहा है कि ये भी नाश होती जा रही है। जैसे जैसे बुद्धि का और विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे इन सारी चीजों का भी खत्म होता जा रहा है। और इसीलिए यहाँ इस पद में बताया जा रहा है कि उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। तो हमें उन चीजों को दृढ़ करने की आवश्यकता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, प्रेम, ये इन सारी चीजों को हमें अपने जीवनों के द्वारा क्या करना है और दृढ़ करना है। इनको हमें रोक के रखना है, इन्हें बचाए रखना है, ये जाने ना पाए, ये विनम्रता जो है वो जाने ना पाए, ये भलाई जो है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। आज के जीवन में एक भिखारी को भीख देने से पहले भी जो है इंसान के अंदर इतने मिथ्स हैं कि वो क्या करेगा, वो हमें बेवकूफ बना रहा है। उस भिखारी की तो खुद ही 5,000 रुपए की इनकम है एक दिन की, उसको भीख से इतना मिल जाता है, तो हम तो आज किसी को भीख भी नहीं देना चाहते हैं। अगर सच में उसको जरूरत होगी, सच में वो 5 दिन से खाना नहीं खाया होगा, तो भी शायद हम उसको कुछ नहीं देंगे।
और हम ये सोचेंगे कि इसका तो पेट भरा है और ये हमसे ज़्यादा तो शायद यही कमाता होगा भीख मांगकर, तो हम उसकी भी मदद नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो रही हैं, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को क्या करना है, बचाना है, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, इन्हें दृढ़ करना है, लोगों की मदद जो है वो हमें करते रहना है। हमारे अंदर क्या है, विश्वास की कमी हो जा रही, विश्वास को जो है वो बचाए रखना है। इतना ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ विश्वासघात आज की डेट में कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर और इसके मोबाइल के नॉलेज में जाएंगे तो आपको देखेगा कि हर एक कदम पे आपको छलने के लिए, आपको लूटने के लिए दुनिया भर के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। पूरी दुनिया से लोग बैठे हैं आपको छलने के लिए। अगर आप होशियार नहीं रहेंगे, अगर आप, बहुत से लोग होते हैं बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे विश्वास कर लेते हैं और फिर क्या मिलता है, उन्हें धोखा मिलता है। और जब धोखा मिलता है तो यही बार बार का धोखा जो है इंसान को अंदर के विश्वास को क्या कर रहा है, ख़त्म करता चला जा रहा है। और हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को अभी भी रोक कर रखने की, अभी भी लोगों के विश्वास को बनाए रखने की। ये हमारे जीवन से बहुत आवश्यकता है कि हम इन सारी चीज़ों को, जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है, जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। तो हमें इन चीज़ों को दृढ़ करके रखना है कि हम उन्हें बचा कर रखें। आज के जीवन में क्या है, लोग जो है इतना, मतलब घमंड लोगों के अंदर आ चुका है कि ऐसा लगता है कि हर एक को जो है वो सिर्फ अपने हित की चिंता है। हर एक व्यक्ति सिर्फ अपना हित सोचता है, वो दूसरे के हित के विषय में नहीं सोचता है। तो बहुत ज़रूरी है ये हमें दूसरे के हित को सोचना, और दूसरे के हित होते हुए भी मनुष्य जो है आज के जीवन में देख नहीं पा रहा है, वो नहीं देख पाता, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि अगले के जीवन में अच्छा कैसे होगा। तो महसूस करना है, बहुत ज़रूरत इस बात की है कि हम ये माने कि जो भी हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने दिया है वो बहुत ज़्यादा है, और जो भी अगले को जो भी वो प्राप्त कर रहा है वो उसके हिसाब से है। उसने, उसका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, वो कैसे वो प्राप्त कर रहा है। अनुग्रह तो सबके लिए है और सबकी बढ़ती होती जानी है। परमेश्वर का वचन बताता है ये ज़रूरी नहीं कि जो बुरे काम कर रहा है उसको जो है आशीष नहीं मिलेगी, ये परमेश्वर का वचन नहीं बताता। सबको बराबर से मिलेगी और बाद में जो है सबका हिसाब लिया जाएगा। अगर कोई, किसी को सिर्फ इतना मिलता है कि उसमें सिर्फ उसका जीवन यापन हो सके, तो इससे अच्छी बात उसके जीवन में और कुछ नहीं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक होना और आवश्यकता से कम होना ये दोनों ही गड़बड़ है। तो आपके पास सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितने में आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा कि अगर परमेश्वर आपको दिन भर खाने के लिए रोटी देता है और सर छुपाने के लिए छत देता है, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। क्योंकि इससे ज़्यादा जब होने लगेगा तो आपका जो मन है वो भी बढ़ने लगेगा, और जब आपको कुछ ज़्यादा आराम मिलने लगेगा तो आप परमेश्वर के भय से निकलना शुरू कर देंगे। तो आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के भय में रहें और उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह।